इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर BGMI के अंदर नेटवर्क कनेक्शन का इशू आता है, यहाँ पर इंटेलिजेंस और वगैरह वगैरह का इशू आता है, और यहाँ पर आपके FPS चेंज नहीं हो पाते, ग्राफिक्स चेंज नहीं हो पाते हैं, डाउनलोड नहीं हो पाते, कुछ चीज़ें डाउनलोड नहीं हो पाती हैं, कुछ मैप डाउनलोड नहीं हो पाते हैं, इस तरीके का एरर दिखाता है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए, वैसे तो ये इशू बहुत सारी कंडीशन से आता है, यहाँ पर ये कुछ फाइल्स वगैरह भी डिलीट हो जाती हैं उनकी वजह से भी आता है, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अगर कुछ डिलीट हो जाता है तो हमेशा आपके BGMI के अंदर उसमें अपडेट आ जाएगा। अब जैसे लाइक आप जो है कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, OBB फाइल या कुछ भी फाइल डिलीट कर देते हैं, तो वो यहाँ पर शो कर जाती है। ठीक है, अपडेट भी करते रहिए, इसको फ़ायदा रहेगा आपका, जिससे कि आपका जो मतलब कि कुछ दिक्कत आएगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर चेक कर लीजिए कि कोई इंटरनेट सेटिंग्स बंद तो नहीं। अपडेट करने के बाद तो आप सबसे पहले सिम कार्ड्स में जाइए और आपका मोबाइल डेटा नेटवर्क चेक कर लीजिए कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो इसको स्टार्ट रखिए, और सिम कार्ड्स में से इसे जो है पहले 2G लगा लेना है आपको, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप को, और फिर यहाँ पर लेटेस्ट लगा लेना है, फिर बैक लाना है, बैक लाना है, और यहाँ से जो है ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है, और यहाँ पर BGMI को सर्च कर देना है, और यहाँ से जो है इसका रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज सब पर अगर लगा हुआ हो तो अच्छी बात है, वरना लगा लीजिएगा एंड अपने फ़ोन को बंद करके खोलिएगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो फिर सॉल्व हो जाएगी।